सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग SKS से वन टैप या हेडशॉट कैसे मारे वो बताने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो को बीच में स्किप करोगे ना तो गाइज कुछ भी आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे, तो फिर मुझे मत बोलना कि हेड नहीं पड़ रहा। मैं पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ आपको, हेड मारने के लिए पूरी वीडियो कम्प्लीट देखनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं देखोगे तो नहीं पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई और अच्छा ट्रिक है ही नहीं। और ये सबसे अच्छा ट्रिक है गाइस, मैं रियल बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। मैं जितना मैं मतलब अभी पिछला टिप से जो डेजर्ट ईगल्स लाया वो भी सबसे सिंपल लाया हूँ, और सबसे सिंपल इससे SKS से कैसे हेडशॉट मारे वो भी मैं लाया हूँ, ठीक है। ये सबसे सिंपल है, इसके अलावा आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, फिर मुझे मत बोलना कि हेड नहीं पड़ रहा है, ऐसा ऐसा कैसा वीडियो बनाता है, ठीक है गाइस। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ 4 या 5 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 और 5 पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है सेंसिटिविटी, फिर सेकंड कंट्रोलर, फिर मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। 4 या 5 टॉपिक क्या मतलब जो अपना वो आता है पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको हर एक एक पार्ट में अलग अलग चीज़ सिखाया जाएगा। तो पहले पार्ट में आपको सेंसिटिविटी सिखाया जाएगा, सेकंड पार्ट में आपको कस्टम HUD ये सब सिखाया जाएगा, फिर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में ये सब आपको हेडशॉट कैसे मारना है वो सब दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको SKS ले लेना होगा गाइस। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सेंसिविटी में। सेंसिविटी में आपको जनरल हमेशा 100 रखना होगा, कोई भी मोबाइल हो 100 ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो रेड डॉट है, रेड डॉट 86 होना चाहिए। फिर जो टू स्कोप, ये सब आप अपने मन से रख सकते हो। और गाइस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। 86 ही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप जैसे आपको पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो आप चेंज कर सकते हो, पर 86 और 100 के 70 और 100 के बीच में आप रखना, कहीं भी रखना 70 और 100 के बीच में रखना, ठीक है। 70-100 के बीच में रखने से क्या होगा गाइस कि आपका सेंसिविटी ना इसने में अच्छे रहता है, रेड डॉट जो रहता है इसमें से अच्छा पड़ता है। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर में गाइस। प्रिंस ऑफ स्कोप आप रख सकते हो, आपका मतलब आपको आदत हो तो प्रिंस ऑफ स्कोप रख सकते हो, नहीं तो आप डिफॉल्ट रखे, पर मैं प्रिंस ऑफ स्कोप रख रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छा ड्रैग होगा कि इन बॉडी पे चिपकेगा नहीं। तो चलते हैं अब अपने कस्टम HUD में, ठीक है। कस्टम HUD में इसलिए जा रहा हूँ, और गाइस मैं आप लोग को पार्ट गिनवाते नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्ट मैं सीधा बोलते जाऊंगा, आप लोग समझ जाना कि कैसा कैसा पार्ट है। तो मैं पार्ट तो गिनाऊंगा नहीं कि कितने टॉपिक है क्या है, आपको मैं बता देता हूं। तो गाइस पिछले वीडियो में बताया था पर एक बार और बता देता हूं जिसको नहीं पता। आपका लो डिवाइस है गाइस, तो आपको 40-50 के बीच में रखना होगा, ठीक है। 40-50 रखना होगा बता चुका था। और हाई डिवाइस है तो आप कितना भी रख सकते हो, उतना नहीं है। फिर चलते हैं अपने सीधा मेन टॉपिक पर, ठीक है गाइस। तो गाइस हेड मारने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं पहले आप लोगों को एक दो क्लिप दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग के क्लिप, गाइस देखा मैंने कितनी इजी से हेड मारा था, ठीक है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार नहीं पड़ा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर से उसे ट्राई करिए, छोड़े देखिए कैसे इतना इजी से हेड लग गया। अब मैं इसको एकदम आपको स्लो करके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने हेड मारा, ठीक है। पहले आप लोग को मैं स्लो करता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करते हैं, मतलब स्लो करते हुए बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सीधा दूसरे क्लिप में ले चलता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि कैसे आपको हेड मारना है, ठीक है गाइस। जैसे गाइस इस क्लिप में देखना, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी ज़्यादा स्लो कर दिया हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग समझ सके, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं अपने यहाँ अभी गन निकालूंगा, गन जैसे मैं यहाँ अटक गया हूँ वैसे अभी मैं अपना गन निकाला, देखिए कैसे मैं ड्रैग मारता हूँ। एक बार नहीं पड़ा छोड़ दीजिए, ये देखिए दूसरे बार में पड़ गया तुरंत, मतलब आपको तुरंत उसको उठा देना है, रेड हो या वाइट हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको उठा देना है सीधा। जैसे अभी यहाँ देखना, यहाँ देखिए 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे आपको हेड मारना है, ये लॉन्ग हो या शॉर्ट हो कुछ भी हो। अब देखिए जैसे ये था, इसको भी कैसे इजीली हेड मार दिया गाइस। गाइस अब मैं आप लोग को एक बार और दिखाता हूँ कि शॉर्ट में कैसे हेड मारना है, ठीक है। जैसे सामने गाइस वो जैसे जंप की वैसी आपको ट्रैक कर देना, कोई भी हो आपको मतलब जैसे वो जंप करे ना आपको ट्रैक, कोई भी हो मतलब शॉर्ट में भी हो ना, तो आपको शॉर्ट में जैसे पिछले वाले में बताया था रेड हो या वाइट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको सीधा स्पीड में ट्रैक कर देना होगा, ठीक है। जैसे सामने देखिए लॉन्ग है, ये पड़ गया, ड्रैग कर, एक बार नहीं पड़ा फिर से दोबारा उसको ड्रैग करने की कोशिश की, पक्का वो पड़ेगा ही पड़ेगा गाइस। मेरी वजह से इधर देखिए शॉर्ट में मैं भी जंप किया उसको हेड पड़ गया। जैसे भी सामने एक बंदा है उसको कितना इजी से मैं हेड मारता दिखना है, 1, 2, 1, 2, 3 गाइस। आपको मतलब एक बार नहीं पड़ा तो दोबारा उसको ड्रैग करने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ा रुकिए फिर ड्रैग करिए, भले वाइट रहे रेड रहे उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे सामने एक बंदा देखो सीधा ड्रैग, हल्का सा ड्रैग कीजिए पास में तो वो तुरंत पड़ जाएगा गाइस, ठीक है। गाइज आप लोग ये मत सोचना कि हम उनसे ड्रैग नहीं पड़ रहा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो गाइज तो आपको कैसे ड्रैग का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग करने की कोशिश कीजिए, पक्का हेड पड़ेगा ही पड़ेगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे में नेक्स्ट
ट्रिप्स मतलब टिप्स लिखते आऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक की कैसे हेडशॉट मारे, कैसे डेजर्ट ईगल से डेजर्ट ईगल तो आ गया, M500 से कैसे मारे, वो M887 से कैसे मारे, ये सबसे कैसे मारे मैं लाते रहूँगा गाइस। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं।